मैं इनको अपनी छोटी बहन मानती हूँ। सब नेताओं से मुझे सबसे ज्यादा पसंद कल्पना जी हैं। मैं इनको अपनी छोटी बहन मानती हूँ। सब नेताओं से मुझे सबसे ज्यादा पसंद कल्पना जी हैं। नमस्कार राजा, उधर आ जाओ, यहाँ जाइए, यहाँ जाइए। मैं इनको अपनी छोटी बहन मानती हूँ। सब नेताओं से मुझे सबसे ज्यादा पसंद कल्पना जी हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू। नमस्कार राजा, उधर आ जाओ, यहाँ जाइए, यहाँ जाइए। मैं इनको अपनी छोटी बहन मानती हूँ। सब नेताओं से मुझे सबसे ज्यादा पसंद कल्पना जी हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू। मैं कह रही थी कि जो जल जंगल और जमीन पर आपके अधिकार हैं, इनको बचाना हमारा काम है, हमारा कर्तव्य है। आज भाजपा के नेताओं और इनके बड़े बड़े खरबपति मित्रों की नजर आप ही के जल जंगल जमीन पे है। एसपीटी और सीएनटी एक्ट के साथ छेड़छाड़ करने की इच्छा है। आपने खुद यहाँ देखा कि आपकी जमीन, आपका पानी प्रधानमंत्री जी के बड़े खरबपति मित्र अडानी जी को दे दिए गए और आपको ना नौकरी मिली उन कारखानों से और न बिजली मिलती है। सारी बिजली विदेश जाती है, आपको नहीं मिलती। ये है भाजपा की नीतियां। आज इन्होंने पूरे देश के विपक्ष पे हमला किया हुआ है, पूरी देश की मीडिया पे कब्जा किया हुआ है ताकि आपको इनकी सच्चाई ना पता चले। इनकी सच्चाई क्या है? इनकी सच्चाई ये है कि पूरे देश में जितनी भी इनकी नीतियां हैं सब इनके बड़े बड़े खरबपतियों के लिए बन रही हैं। जिस तरह से यहां पे से आपकी जमीनें ली, आपको मुआवजा ठीक ढंग से नहीं दिया, यहां पे बड़े बड़े खरबपतियों का खूब फायदा हुआ लेकिन आपका फायदा नहीं हुआ, इस तरह से पूरे देश में कर रहे हैं। देश के कोयले के खदान, देश की बिजली, देश का पावर, देश के हवाई अड्डे, देश के बंदरगाह सारे अपने बड़े बड़े खरबपति मित्रों को दे दिए गए हैं। ये लोग कर्ज माफ करते हैं अपने बड़े बड़े खरबपति मित्रों के। 16 लाख करोड़ रुपए माफ किए हैं इन्होंने सिर्फ 22-23 बड़े बड़े खरबपतियों के, और देश के किसान का एक रुपया माफ नहीं किया। आज देश का गरीब, देश का किसान, देश की पूरी मिडिल क्लास महंगाई से जूझ रही है। आज किसान खेती करने जाता है तो खेती के हर सामान पे जीएसटी लगता है, हर सामान महंगा हो गया है। खेती से कमाई नहीं हो पाती, कर्ज लेना पड़ता है, नुकसान होता है, बारिश आती है ओले पड़ते हैं, बाढ़ आती है तो मुआवजा तक समय पे नहीं मिलता, आपकी उपज का सही दाम भी नहीं मिलता। ये परिस्थितियां बन गई हैं कि तमाम देश में तमाम किसान कर्ज लेकर न चुकाने पाने से आत्महत्या कर लेते हैं, कर्ज चुकाने की कोशिश करते हैं नहीं कर पाते। आज किसान को अपनी बेटी की शादी करानी हो, अपने बच्चे को पढ़ाना हो तो कर्ज लेना पड़ता है। खेती में नुकसान हो गया तो नई खेती करने के लिए कर्ज लेना पड़ता है, खाद समय पे नहीं मिलता, पेट्रोल डीजल महंगा हो गया है, हर चीज महंगाई से दबी हुई है, कमाना मुश्किल हो गया है। इसी तरह से मेरी बहनें आज दुकान जाती हैं तो आधी चीजें खरीद नहीं पाती। घर पे कोई बीमार पड़ जाता है या कुछ नुकसान हो जाता है किसी वजह से, 2-3 दिहाड़ियां नहीं मिलती तो कोई भूखा रह जाता है घर पे।